तमाम मसीह बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं कैडी कैंडिक की वालदा हूँ, जिन बच्चों को उनके वालिद ने डबो दिया समंदर में। उस दिन काशिप से मेरी बात हुई है, काशिप ने मुझे फ़ोन किया है। मैंने उसको कहा है कि क्रॉसिंग आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, जो भी मसला है सॉल्व करते हैं। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जब उसने मुझे कहा है कि मैं बच्चों को डबो दूँगा और उसने कॉल बंद किए, मैं फ़ौरन यहाँ से अपनी पुलिस चौकी गई हूँ, बिडाई कॉलोनी की। वहाँ पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने इसके नंबर पे कॉल की है फ़ौरन, जब तक इसका नंबर बंद हो चुका था। उसके बाद इसने ये कर दिया। बाकी जो इसने किया बहुत गलत किया है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम इस बेटी के पास आए हैं, ये उनके वालिद साहब हैं, हमारे साथ इनके सदर यासिन साहब भी हैं। बात यह कि हमें ये वाक्य का जब पता चला, हम उस दिन से इस फैमिली के साथ हैं। लेकिन ये था कि माहौल इस किस्म का था, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी कि बात कर सकते। बात यह, मैं तमाम मसीही बहन भाइयों से, वालदेन से अपील करता हूँ कि देखिए, ये एक वाक्य नहीं है, क्योंकि ये जो वाक्य बच्चे के डुबोने का, तो बड़ा ही दर्दनाक है। लेकिन ये मियाँ बीवी के चपकलस जो है इतनी चल रही है कि हमारे जब सिंध के सेक्रेटरी जब जेल में विजिट करेंगे गुज़िश्ता दिनों, तो वहाँ लोग जो है, सिर्फ किसी ने अपनी बीवी को मार दिया है, बीवी के शोहर को मार दिया है, किसी ने साले को मार दिया है। इसी तरह के डिस्प्यूट की वजह से लोग 14-14 साल सजाएं, 7-7 सजाएं, एक एक साल से जेलों में बंद हैं। मैं तमाम वालदेन से अपील करता हूँ कि जब आप खुदारा रिश्ता तय करें तो जल्दबाजी ना किया करें, अच्छी तरह छानबीन किया करें। देखिए, ये बंदा मेडिकल से रिलेटेड है, मेल नर्स है, जब इसकी सोच ये हो सकती है तो फिर दूसरों की, आम आदमी की क्या होगी। क्योंकि याद रखिए, मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये देखें कि जो बच्चा चर्च से रिलेटेड नहीं है, चर्च से उसका ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे बच्चों से बचें। क्योंकि चर्च जाना जो है वो खुदा का खौफ रखने वाला बंदा जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करता। और ये जो वाकया हुआ है, ये देखें, इसी तरह जैसे भाई ने हमें बताया कि तीन शादी के 3 महीने के बाद इन्होंने सामान उठा लिया था, उसके घर से उठा के ले आए थे, ताल्लुकात खत्म कर रहे, सिर्फ तलाक नहीं हुई थी, बाकी सब चीज़ें हो गई थी। तो जब ऐसी चीज़ें हो जाएं तो खुदारा सेपरेशन का रास्ता अख्तियार कर लिया करें। ज़बरदस्ती बेशक कितने भी कोई अपीलें हों, कितने भी पाएँ, तो ना ऐसा किया करें। क्योंकि आप बार बार, आप इतने अरसे से आप देखें ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, झगड़े हो रहे थे, और फिर आप ऐसे बांध रहे थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बच्चों की तस्वीर देना। तो अब आप ये देखें कि लोग बच्चों को तरसते हैं, और ये देखें कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं दोनों भाई, कितने प्यारे बच्चे हैं। उस बंदे का अगर इतना ही उसको अपनी बीवी से था जो इल्जाम लगा रहे हैं, अब आप बताएं अगर इल्जाम, कितने प्यारे बच्चे हैं उस बंदे का अगर इतना ही उसको अपनी बीवी से था जो इल्जाम लगा रहे हैं, अब आप बताएं अगर इल्जाम लगा रहे तो फिर बीवी के पास क्यों जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे घटिया इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर निकाह होते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों के अंदर निकाह के साथ अहद बांधा जाता है, मियां बीवी से अहद लिया जाता है बाइबल में हाथ रख के, कि आपने दुख सुख में साथ देना है। तो आप देखें किस तरह ये हो रहा है। अब ये दो मासूम बच्चों का खून किसकी गर्दन पे होगा, ये क्या, ये बहन जो है, ये बेटी जो है, इस करप से निकल सकती है, जबकि ये जख्म इसको जो लगा है ये भर सकता है। वो बंदा भी मैं समझता हूँ कि बच्चों की चीखें उसको ले डूबेंगे, जिंदगी भर इनकी चीखें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो मैं तमाम वालदेन से अपील करता हूँ कि खुदारा रिश्ता करते वक्त तय किया करें, अगर ऐसे मामला हो जाए तो सेपरेशन का रास्ता है। और मियां बीवी से भी मैं अपील करता हूँ कि खुदारा आप पे भी अगर आपस में अख्तलाफात हों तो कोशिश करें कि आप सेपरेशन का रास्ता अख्तियार करें, बर्दाश्त करें, या एक दूसरे को माफ करें, इस तरह के इंतहाई कदम ना उठाया करें, जिससे मसीहत की भी बदनामी होगी और आपकी जिंदगियां भी तबाह हो जाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये वाकया जो है ये मनोड़ा में पिछले दिनों पेश आया, जो एक जालिम बाप ने जो जानवर बन गया था अपने दो बच्चों को मनोड़ा ले गया और वहाँ जाकर उनको पानी में फेंका। जब देखा वो डूबे नहीं है तो उसने उतर कर वहाँ नीचे उन बच्चों को सर पकड़ के उनके डुबोता रहा जब तक वो डूबे नहीं। आसपास के लोगों ने जब उसको देखा तो उनको पकड़ा और उसे पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को डुबो रहा था और मैं खुद ही डूबना चाह रहा था। तो वहाँ के लोगों ने 4-1-5 पर रिंग करके पुलिस को बुलाया और फिर इस वक्त वो आज वो जेल में है। उनकी वाइफ के स्टेटमेंट सुनिए, इनकी वाइफ क्या कह रही हैं। वो यही कह रही हैं कि मैंने जब मेरी जब अपने मियाँ से बात हुई काशिफ से, तो मैंने उससे कहा कि चलो आओ हम बैठकर कोई बात कर लेते हैं, और उसने कह रही मैंने कोशिश की कि वो आए लेकिन वो बच्चों को ले के जा चुका था, और कह रहा मैं तो जा रहा हूँ बच्चों को डुबोने। वो कहने लगी कि मैं फ़ौरन
थाने जो करीब भटाइयाबाद थाना था मैं वहाँ पहुँची और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरा जो शोहर है मेरे बच्चों को डुबो देगा। उसके नंबर पर जब रिंग किया तो वो बंद जा रहा था, अपने बच्चों को वो डुबो चुका था। ख़वातीन हज़रात, ये ऐसे वाक़यात हमारे आसपास हैं जो कि इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं मियाँ बीवी के दरमियान। हर घर में हर लोग आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। अब जब इतनी शिद्दत हो जाती है, जब मारने को और मरने को तैयार हो जाते हैं और ज़िंदगी पास नहीं रह सकते, वो अपनी समझते हैं कि अब हमारा आपस में मिलना जुलना और रहना उठना बैठना हम नहीं रह सकते आपस में, तो या तो वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं या अपने हस्बैंड वाइफ को मार देता है और जो वाइफ अपने हस्बैंड को मरवा देती है, और या नहीं तो बच्चों को मार देते हैं। तो इस हालत में जब ये हालात हो जाएं तो अपनी बच्चियों को ज़बरदस्ती उस घर में और मत भेजें और ज़बरदस्ती उनके शख्स के साथ नहीं रहें जो बारह यही हरकतें करता है या करती है। तो आप इससे बेहतर है कि बंदा लैदा हो जाए, सेपरेशन कर ले, लेकिन इतना बड़ा होलनाक वाक़े से पहले ही बंदा संभल जाए। ख़वातीन हज़रात, ये हमारे सब के लिए एक ऐसी कहानी है कि हम समझें कि जो ऐसे लोग हैं वो किसी के भी नहीं होते। ख़वातीन हज़रात, आज हमने ये सीखा है कि नफ्सियाती जो लोग होते हैं और किसी भी किस्म के हो सकते हैं, इनको आप जज नहीं कर सकते। ये पढ़ा लिखा लड़का था और ये मेडिकल डिपार्टमेंट में था, लेकिन इसकी आदत थी कि ये अपनी बच्चों को अपने रिश्तेदारों को हसब से उलझता रहता था। स्टाफ भी का कहना है कि ये ड्यूटी आवर्स भी कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता था और कभी कभी बहुत झगड़ा करता था। ख़वातीन हज़रात, हमें देखना पड़ेगा माशरे की जो आजकल लोगों में अदम बर्दाश्त का नहीं है, बर्दाश्त नहीं एक दूसरे को कर सकते। तो ख़वातीन हज़रात, ना बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप अलहदा हो जाएँ और जहाँ भी रहें खुश रहें, और खुश रहें और खुश होने दें, आपसे दूर है तो बेहतर है, लेकिन ये होनलक वाक़े से आप बच जाएँ। इस RDG चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।